प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है वर्ण विचार। हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। आइए आज हम उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ 7 तरीके से व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है, ये आपको मैंने कुछ सूत्र दिए हैं, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद होंगे तो आप आजीवन इनको नहीं भूलेंगे कि किस स्वर का, किस व्यंजन का उच्चारण किस स्थान से होता है। यदि आप ऐसे ही इनको याद करोगे तो ये एक भी आपको याद नहीं रहेगा। यहाँ पर मैंने कुछ सूत्र बताए हैं। पहला है अकुह विसर्गीय नाम कंठ। पहला सूत्र क्या है? अकुह विसर्गीय नाम कंठ। ये यहाँ पर अ आ रहा है, ए आ रहा है। ए का मतलब है यहाँ पर ए या आ, ए या आ। फिर आ रहा है यहाँ पर के, के का अर्थ है यहाँ पर के वर्ग। ये क ख ग घ ढ, ये के वर्ग कहलाते हैं। तो ये क ख ग घ ढ, ये वर्ण के वर्ग, ये पूरा के वर्ण, के वर्ग है, इसके पूरे वर्ण इसमें आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है, तो ये यहाँ पर आ गया है। इसके बाद में ये विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग आ गया ये। तो इस तरीके से ये उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। और ये कुछ सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है अकुह विसर्गीय नाम कंठ, यानी कि अ और आ, ए और आ और के वर्ग और हे और विसर्ग, इनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है। इनका उच्चारण हमारे कहाँ से होता है? कंठ से होता है, हमारे कंठ से होता है। तो इनको कंठ व्यंजन या कंठ स्वर कहते हैं। तो कंठ स्वर या कंठ व्यंजन किसे कहेंगे? तो वे स्वर या वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि कंठ से निकलती है, उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा है इच्युष्या नाम तालु। इच्युष्या नाम तालु, तालु इन्हें तालव्य भी कहते हैं। तो इच्युष्या नाम तालव्य या तालु। ई का मतलब है यहाँ पर ई या ई, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी हो। इसके बाद यहाँ पर चे आ रहा है, तो चे वर्ग, चे वर्ग में आते हैं चे छे जे झे ये, ये चे वर्ग है। इसके बाद यहाँ पर ये आ रहा है, तो ये हमने ये लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर शे आ रहा है, तो शे लिख दिया। तो इच्युष्य नाम तालव्य या तालु, ई या ई प्लस चे वर्ग प्लस ये प्लस शे, ये वर्ण हैं, इनका उच्चारण तालु से होता है। अब आप ये सोचेंगे कि तालु होता क्या है? तो तालु वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का जो मध्य भाग है वो ऊपर वाले जबड़े के कठोर हिस्से को स्पर्श करता है, उन्हें तालु या तालव्य कहते हैं। तो ई या ई प्लस चे वर्ग प्लस ये प्लस शे, ये तालव्य या तालु व्यंजन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा, ऋतूर्ष्णा नाम मूर्धा।
ऋतूर्ष्णा नाम मूर्धा या मूर्धन्य, इसमें आते हैं, ये री आ रहा है, इसके बाद में यहाँ पर टे आ रहा है, तो ये टेवर्ग, टेवर्ग कहते हैं, टे ठे डे ढेणे, ये टेवर्ग होते हैं, तो ये टेवर्ग होते हैं, कौन कौन से, टे ठे डे ढेणे, ये टेवर्ग है, तो टेवर्ग प्लस यहाँ पर ये रे आ रहा है, तो रे, इसके बाद यहाँ पर शे आ रहा है, तो ये हम शे लिख देंगे। तो इस तरीके से ऋतूर्ष्णा नाम मूर्धा या मूर्धन्य, तो इसमें री टेवर्ग प्लस रे प्लस शे, इनका उच्चारण, इन्हें मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन या वर्ण कहते हैं। अब ये आप सोचते होंगे कि मूर्धन्य या मूर्धा होता क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, मूर्धा या मूर्धन्य, मूर्धा के का यह अर्थ होता है नाक, यानी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि हमारी नाक से बाहर निकलती है, उन्हें मूर्धा या मूर्धन्य वर्ण या व्यंजन कहते हैं। तो इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं चौथा, ल्र तुलस्या नाम दंत है, ल्र तुलस्या नाम, ल्र 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 तुलस्या नाम दंत है, इसमें आते हैं ल्र प्लस यहाँ पर ते आ रहा है तो ते वर्ग, प्लस यहाँ पर ले आ रहा है तो ले, और ये से सवाल वाला, ल्र ते वर्ग ले और से, इनका उच्चारण, इन्हें दंत व्यंजन कहते हैं, दंत व्यंजन कहते हैं। अब ये सोचते होंगे आप कि दंत व्यंजन होते क्या हैं, तो दंत व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का जो अग्रभाग है वो आगे के ऊपर वाले जबड़े के जो दांत हैं ये उनको स्पर्श करता है। इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अग्रभाग है वो आगे के दांतों को स्पर्श करता है, वो दंत व्यंजन होते हैं। तो दंत व्यंजन में आते हैं ल्र ते वर्ग ले और ये स। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं पांचवा, वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, ये वह है, इसे वकारस्य दंतोष्ठ कहते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि वकारस्य दंतोष्ठ होता क्या है, तो वकारस्य का मतलब होता है वक्र, वक्र का मतलब टेढ़ा, और दंतोष्ठ दांत और होंठ। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह की जो आकृति है वो टेढ़ी हो जाती है, और हमारे जो नीचे हमारे मुख के जो निचले वाले जो जबड़े हैं जबड़ा है उसके जो दांत हैं ऊपर वाले होंठों को स्पर्श करते हैं, उन्हें वकारस्य दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुँह की आकृति है वो टेढ़ी हो जाती है, वकारस का मतलब होता है टेढ़ा, तो टेढ़ी हो जाती है, और हमारे मुँह के निचले वाले जबड़े के जो दांत हैं वो ऊपर वाला जो होंठ है हमारे जबड़े का जो ऊपर वाला होंठ है उसको स्पर्श करते हैं, हमारे निचले जबड़े के जो दांत हैं ऊपर वाले होंठ को स्पर्श करते हैं, तो इनका उच्चारण होता है वकारस्य दंतोष्ठ, यानी कि मुंह का टेढ़ा होना और दांतों और होंठों के मिलने से इसका उच्चारण होता है। तो इस वे को वकारस्य दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है कंठ तालु, कंठ तालु में आते हैं ए आई। अब आप ये सोचते होंगे कि कंठ तालु होता क्या है, तो कंठ तालु
वह स्थान है, इन्हें कंठ तालु व्यंजन कहते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि कंठ तालु होता क्या है, तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि कंठ से निकलती है और हमारी जीभ का जो मध्य भाग है वो हमारे मुंह के ऊपर वाले जबड़े के कठोर हिस्से को स्पर्श करता है, उसे कंठ तालु कहते हैं। तो कंठ तालु में आते हैं ए ऐ, इन्हें कंठ तालु व्यंजन या स्वर या वर्ण कहते हैं। इसी तरीके से आता है कंठोष्ठ में आते हैं ओ औ। अब आप ये सोचते होंगे कि कंठोष्ठ होता क्या है, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि कंठ से निकलती है और होंठों की आकृति है वो गोलाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है? गोलाकार। जैसे हम ओ औ, तो होंठों की आकृति कैसी हुई? गोलाकार हुई जब इनका उच्चारण हुआ। तो ये इनका उच्चारण है ओ और औ का उच्चारण है वो कंठ प्लस होंठ से होता है या होंठ से होता है, इसलिए इनको कंठोष्ठ स्वर या व्यंजन या वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर ये स्वर है तो कंठोष्ठ स्वर कहेंगे, यहाँ पर व्यंजन होता तो उन्हें कंठोष्ठ व्यंजन कहते। तो हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर या व्यंजन। तो हम इनको वर्ण भी कह देते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ प्लस होंठ से होता है उन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। इस तरीके से आज हमने उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण विधिवत रूप से या विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। आपको इस तरीके का विवरण किसी भी पुस्तक में देखने को नहीं मिलेगा। आप इन्हें भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।